आज मैं बनाने लगी हूँ मटन के सीख कबाब। ये देखिए, ये मटन का कीमा है जो मैंने मशीन में 3 बार निकाल लिया है। अच्छा सॉफ्ट हो गया है ये। अब इसके मसाले चेक करें, हरी मिर्च, लहसुन और ये ज़ीरा गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी और धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ, और ये नमक और ये प्याज मिक्सी में पीस कर इसको ना नचोड़ दिया, इसका पानी बिल्कुल इसको सुखा देंगे पानी को। और ये थोड़ी सी चर्बी है जिसे हम हरी मिर्च और लहसुन के साथ मिक्सी में पीसेंगे, और फिर कीमे और हरी मिर्च को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें बकरे की ये भी डालती हूँ चिकनाई, इसको भी इसी के साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखें, ये मटन की चिकनाई भी इसके साथ ग्राइंड हो गई है, और हम ये सभी मसाले इस कीमे के अंदर डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। और ये भी चिकनाई और हरी मिर्च जो हमने पीसी है ये भी इसी में डाल देंगे। मीठा सोडा डाल देते हैं, इससे ये टेंडर हो जाएगा। जब मैंने सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं, और अब इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ। जैसे ये सेट हो जाएगा 2-3 घंटे में, अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। ये देखिए, जो कल कीमा मैंने मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखा था उसको ये मैंने निकाल लिया है, और इसमें से ये मैंने 9 कबाब सीख पे बना लिए हैं। एक सीख अभी खाली रखी है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और फिर इन ऐसे थोड़ा सा कीमा लेके और इसको ऐसे करें और ऐसे दबा दें, ऐसे पानी का हाथ लगाएं और इसको फैला दें। बस इस तरह से ही अच्छे से बन जाएगा। और फिर इन्हें हम कोयलों पे जब सिकाई करेंगे तब भी आपको दिखाएंगे अच्छे से। और देखिए, ये बन के तैयार है, और इसको भी हम यहाँ लगा देते हैं। ये देखें, मैंने पूरे 10 के 10 कबाब इसमें लगा दिए हैं, और इनको हल्की आंच पर, अभी तो ज़रा तेज़ हो रही है आंच, थोड़ी हल्की आंच पर सेकते रहेंगे, और हर 2 मिनट के बाद इस तरह से पलटते रहेंगे। तो इस तरह से इधर को पलटते रहें इनको, और दूसरों को आसपास से इनको हिलाते रहें। इस तरह से देखिए, ये कलर पलटने लगा है। आप बीफ के भी इसी तरह से बना सकते हैं। देखें, अभी थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है। ये थोड़े इधर से रह गए हैं, ये भी सिक जाएंगे माशाल्लाह से, बहुत अच्छे और जूसी कबाब बनकर तैयार हैं। ये देखें कितने अच्छे जूसी कबाब बनकर तैयार हुए हैं।